हे फ्रेंड्स, कैसे हो। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि आई होप यू गाइस लाइक इट। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। मूवी की शुरुआत में व्यूवर्स देखते हैं सैमुअल नाम के एक आदमी को, जो कि एक सुपर हेल्पर का काम करता है एंड आज इसकी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तो सैमुअल अपनी वाइफ एसली को एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए लेके जाने वाला होता है, बट उसी दौरान उसके बॉस का कॉल आता है एंड वो कहता है कि आज काम ज़्यादा है तो आज तुम्हें डबल शिफ्ट करनी होगी। ये सुन के सैमुअल के मैरिज एनिवर्सरी का प्लान खराब हो जाता है। तो फिर सैमुअल बेचारा सुपर होता है, वहाँ पर उसके साथ काम करने वाली लाइक कोवर्कर लोरा होती है एंड लोरा को उसका बॉस ज्यादातर टाइम उसके केबिन में रखते हैं। तो इस वजह से सैमुअल से कहता है कि शायद तुम्हें बॉस पसंद करते हैं, मे बी इसलिए वो तुम्हें हर वक्त उनके साथ ही रखते हैं। फिर लंच टाइम पे सैमुअल सोचता है कि वैसे तो आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है और आज जॉब से मुझे छुट्टी वैसे मिलने वाली तो है नहीं, तो वो लंच टाइम में फ्लावर्स लेके घर पे जाता है ताकि वो कुछ तो स्पेशल कर सके अपनी वाइफ के लिए। बट वो घर पे जाता है तब उसे उसकी पत्नी दिखाई नहीं देती एंड इसलिए का पर्स भी वहीं पे होता है। तो सैमुअल कॉल करता है तो फोन की रिंगटोन ऊपर वाले कमरे में बजती है। सैमुअल ऊपर जाकर चेक करता है तो वो देखता है कि एसली किसी गैर मर्द के साथ इंटीमेट हो रही है। ये देखकर सैमुअल का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, तो इसलिए वो गुस्से में आकर घर में रखे गन्स लेकर आता है उन्हें मारने के लिए। बट वो ऐसा नहीं करता, वो वहीं पे बैठ के शराब पीने लगता है एंड थोड़ी देर के बाद वो फिर से उसी कमरे में जाता है जहाँ पर वो लोग इंटीमेट हो रहे हैं। सैमुअल वहाँ जाके उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। ऐसे में वो बंदा भागने वाला होता है बट सैमुअल उसे गन दिखा के वहीं पर रोक लेता है। सैमुअल उसकी वाइफ एसली को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी विश करता है एंड कहता है कि तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया, मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं करता, बट फिर भी तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। ये सुन के इसलिए रोने लगती है। फिर सैमुअल उस आदमी से पूछता है कि तू कौन है, तेरा नाम कैसा है एंड तू इसलिए से मिला कैसे। तो कहता है कि उसका नाम डेनियन है एंड वो पिछले 6 हफ्तों से इसलिए से मिल रहा है। तो सैमुअल उसे पूछता है कि तू 6 हफ्तों से मेरी वाइफ के साथ सो रहा था। बट डेनियन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उससे मिलता तो था बट 3-4 बार ही वो लोग इंटीमेट हुए हैं। फिर सैमुअल पूछता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कैसे मिले। तो वो कहता है कि हम दोनों ऑनलाइन मिले थे एंड ऑनलाइन चैटिंग करते करते इसलिए ने मुझे यहाँ घर में इंटीमेट होने के लिए बुला लिया। फिर सैमुअल अपनी वाइफ एंड डेनियन को उसके सामने इंटीमेट होने को कहता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि वो कैसे अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा देकर ये सब कर लेते हैं, क्योंकि डेनियन भी एक शादीशुदा आदमी था। इसलिए मना करते हैं बट सैमुअल गुस्से में होता है एंड उसके पास गन भी होती है तो वो कुछ भी कर सकता था। तो इसलिए डेनियन सैमुअल के सामने इंटीमेट होते हैं। जब काम खत्म हो जाता है तो सैमुअल उन्हें कहता है कि मैंने ऐसा सीन एक पुरानी मूवी में देखा था जिसमें एक औरत उसके पति को धोखा देकर किसी गैर मर्द के साथ सोती थी एंड वही सीन अब रियल लाइफ में मेरे साथ हो रहा है। सैमुअल डेनियल का वॉलेट चेक करता है तो उसमें काफी सारे पैसे और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह होते हैं। तो डेनियल को लगता है कि उसकी वाइफ पैसे के लिए वो सब करती है एंड ये सब कुछ हद तक सही भी निकलता है। बट एसली कहती है कि नहीं, मैं पैसे के लिए ये सब नहीं करती, बट हाँ मुझे अब कुछ पैसों की जरूरत थी बिकॉज ऑफ मैं तुम्हारे लिए गिटार खरीदने वाली थी बट मेरे पास पैसे नहीं थे, सो मैंने डेनियल से कुछ पैसे उधार मांगने चाहे एंड फिर मैं उन्हें वापस कर देती। सैमुअल पूरी तरह से अंदर से टूट चुका था एंड सैमुअल को डेनियन के बारे में इंटरेस्टिंग बात पता चलती है कि डेनियन पहले एयरफोर्स में था एंड सैमुअल का भी ये सपना था कि वो भी एयरफोर्स ज्वाइन करे, बट उस टाइम उसे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। तो डेनियन कहता है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें अब भी एयरफोर्स ज्वाइन करवा सकता हूँ। बट सैमुअल उसे मना कर देता है एंड कहता है कि जो तुम अभी यहाँ मेरी वाइफ के साथ कर रहे थे, अगर ये बात तुम्हारी वाइफ को पता चले तो वो क्या करेगी। तो डेनियन कहता है कि मेरी वाइफ को ऐसे सिचुएशंस को हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है क्योंकि उसने मुझे पहले भी ऐसे से बाहर निकाला है। सैमुअल डेनियन को कहता है कि तुम तुम्हारी वाइफ को कॉल करो और बताओ कि तुमने यहाँ पर क्या गुल खिलाया है। डेनियन कॉल करता है वाइफ को एंड सब कुछ बताता है। तो डेनियन की वाइफ उसे पूछती है कि क्या तुम उस औरत को प्यार करते हो। तो डेनियन मना कर देता है एंड कहता है कि मैंने सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और किसी से नहीं। तभी सैमुअल फोन छीन लेता है एंड डेनियन की वाइफ को कहता है कि तुम्हारे पति अभी जिस सिचुएशंस में, मैं उनके साथ अभी कुछ भी कर सकता हूँ। तो डेनियन की वाइफ उनसे बात करने के लिए वहां आने को कहती है।
कुछ देर के बाद डेनियन की वाइफ उनके घर आ जाती है एंड डेनियन की वाइफ सैमुअल के साथ एस्ली और डेनियन के सामने इंटीमेट होती है, ये दिखाने लिए कि अगर अपना लाइफ पार्टनर उसे धोखा देकर किसी और गैर मर्द के साथ इंटीमेट हो तो उन्हें कैसा लगता है। वो दोनों उन्हें देख के रोने लगते हैं एंड उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो किसी के भी बात नहीं मानते। काम खत्म करने के बाद डेनियन की वाइफ वहां से ये कह के चली जाती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ कुछ भी कर सकते, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर सैमुअल एस्ली से पूछता है कि तुम्हें अब कैसा लग रहा है, तो एस्ली कहती है कि मैं सिर्फ उसके साथ इंटीमेट हो रही थी, बट प्यार तो मैं तुमसे ही करती हूँ। फिर वो अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज बताती है कि जब वो छोटी थी तब उनके पिता बहुत काम करते थे, बहुत मेहनत करते थे, फिर भी उन्हें जॉब पर प्रमोशन नहीं मिलता था। एक दिन उन्हें एक जरूरी काम करने के लिए जाना पड़ा, तब मेरे पिता के बॉस मुझे स्कूल से लेने के लिए आए। स्कूल से घर तक का रास्ता बहुत लंबा था तो इसलिए कार में ही मैं सो गई, बट जब मेरी आंखें खुली तो मेरे डैड के बॉस मुझे छू रहे थे एंड इसके कुछ दिनों के बाद ही मेरे डैड की प्रमोशन हो गई। फिर आगे वो कहती है कि मैंने इसके बारे में मेरे डैड को भी बताया था तो उन्होंने कहा कि जब तक बॉस खुश है तब तक सब सही है, इसलिए उसके डैड से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो उनकी खुशी के लिए उनके बॉस के साथ इंटीमेट होती थी। बट एक दिन मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो ये बात जब मेरे डैड के बॉस को पता चले तो वो घबरा गए, वो डर गए एंड उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सुन के सैमुअल भी थोड़ा इमोशनल हो गया। फिर वो अपनी गन में सिर्फ एक बुलेट डाल के कहता है कि हम सभी ने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की हैं, तो इसका फैसला हम भगवान पर ही छोड़ देते हैं कि वो किसको उठाना चाहते हैं। फिर सैमुअल गन चला देता है, बट यहाँ पे हम व्यूवर्स को पता नहीं चलता कि आखिर गोली किसे लगी। फिर आगे हमें सैमुअल के साथ काम करने वाली कोवर्कर लोरा उसके घर उसे देखने को आती है, क्योंकि लंच टाइम में सैमुअल कुछ टाइम के लिए घर आया था, लेकिन तब से लेकर अभी तक वो वापस काम पे नहीं लौटा। तो लोरा देखती है कि घर का दरवाजा बाहर से बंद है, बट उसे लगता है कि सैमुअल घर के अंदर ही है। इसके बाद आगे दिखाया जाता है सैमुअल ने डेनियल की लाश को दफना दिया है अपने गार्डन में, बट वहां पे का स्कार्फ भी दिखाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सैमुअल ने एस्ली और डेनियल दोनों को मार दिया एंड उन्हें दफना दिया। दरअसल सैमुअल ने उन्हें तभी मार दिया था जब उसने फर्स्ट टाइम उनको इंटीमेट होते हुए देख लिया था, बट वो बैठ के वो सब कुछ इमेजिन कर रहा था एंड इसके साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, कमेंट करो। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, यह मेरी इंस्टाग्राम आईडी, तो यार फॉलो जरूर से कर लेना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।